अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों ने टाइटल तो देख लिया होगा, आज है मेरा सिस्टर्स के साथ डे वीकेंड है। वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग अपना वीकेंड सेलिब्रेट सिस्टर्स के साथ कैसे करते हैं। तो मेरे ये ब्लॉग तब के हैं जबकि आयशा यहाँ पर आई हुई थी, तब का मैंने ये बनाया हुआ था कि मुझे ये सब चीज़ें शेयर करनी है। ये हम लोगों का फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन हम लोग कुकिंग में अब्बू और अम्मी खाना बना रहे थे हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ऑफ करते हैं फ्राइडे वाले दिन, हम नहीं काम करते। अम्मी अब्बू वैसे भी ऑलरेडी भी अम्मी अब्बू ही बनाते होते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन स्पेशल था। आयशा भी थी, बाजी ने भी आना था, निब्रा ने भी आना था, तो हम सब इकट्ठे हुए हुए थे। हम सब माशाल्लाह से पूरी फुल, यानी सब बहनें इकट्ठी हुई हुई थी, सब यानी फुल फैमिली थी हम लोगों की। तो अब्बू जान यहाँ बना रहे हैं अपने चिकन का मसाला, तो उसको उसकी भुनाई कर रहे हैं और साथ में अम्मी पाप में चेक कर रही हैं कि चिकन गली है या नहीं गली, और साथ साथ में अम्मी ने बनाया हुआ था चनों का देगी पुलाव, तो साथ में उसकी तैयारी भी साथ साथ चल रही थी। को बिठा दिया था और खुद भी हम लोग शॉर्ट बनाने लग गए थे, शॉर्ट्स भी बनाए, ब्लॉग भी बनाए। नदिया जान भी सुफरे पे बैठ चुकी हैं, नदिया जान भी अपने खाने का वेट कर रही है कि हम लोग का उनका मील कब मिलेगा। नदिया जान क्योंकि फूड लवर है, जिस तरह हम लोग पसंद करते हैं खाना वैसे ही नदिया जान भी बहुत पसंद करती हैं। यहाँ बच्चे बैठ के देख रहे हैं, काका इसको तंग कर रहा था नदिया को। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा, चावल एक एक दाने से धुआं निकल रहा था। तो मैं ये रिकॉर्ड करना चाह रही थी कि अच्छे से एक क्लिप अच्छा सा रिकॉर्ड कर लूँ कि जिसमें ये धुआं निकलता हुआ मुझे मिल जाए। फाइनली अम्मी ने मुझे वो प्लेट दे दी थी, लेकिन मैंने चावल नहीं खाए थे, मुझे चिकन का सालन खाना था, तो मैंने चिकन का सालन ही खाया था। आप देख सकते हैं अभी तक धुआं निकल रहा था, यानी बंद करने के टाइम भी धुआँ निकल ही रहा था उसमें से। चाय की रस्म और पाकिस्तान के ऐप देख देख कर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि पाकिस्तान की चाय पी जाए तपाल दानेदार। तो मैंने भाई से कहा था कि इस दफ़ा तपाल दानेदार की पत्ती लेकर आना, तो हम लोगों ने ट्राई की तो हमें तो बहुत अच्छी लगी। मैं आपको भी प्रेफर करूँगी, आप भी यूज़ करें, जो बाहर रहते हैं उनको भी इसकी चाय ज़रूर अच्छी लगेगी। चाय की देखिए माशाल्लाह बिल्कुल फुल हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आता किस में पकाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। अभी जब मैं बोलूँगी ना, जब आयशा ही सुनी कि मैंने कर दिखाया, तो आयशा को भी कुछ याद आएगा। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से चाय भी बन चुकी थी और फिर जल्दी से हम लोगों ने सर्व की, क्योंकि घर में था जल्दी से सर्व करके रात के खाने का। तो मुझे पता रात के खाने में क्या है फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। पिज़्ज़ा डो माशाल्लाह से बिल्कुल फूल चुकी है, कि शॉपर भी फाड़ देगी। तो मैंने जल्दी से इसके शॉपर से भी ऑयल लगा के किया हुआ था बिल्कुल, यानी किसी के साथ चिपक नहीं रही थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से डो को भी मैंने संभाल लिया था अपने तरीके से। तो पिज़्ज़े के नीचे मैंने ट्रे, यानी पिज़्ज़ा ट्रे में पहले मैंने डाली थी सूजी ताकि पिज़्ज़ा नीचे लग ना जाए, उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको ऑयल या बटर यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आयशा ने फॉर्क से इसमें ये होल्स करी थी ताकि मसाले इसके अंदर डिसॉल्व हो सके। तो आप भी इसी तरह बनाया करें। मैं जब भी यानी गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं तो पिज़्ज़ा सब बच्चों का, बड़ों का भी फेवरेट होता है, आयशा और बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट था, तो इस वजह से मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। और ये सारी तैयारियाँ यहाँ चल रही थी पिज़्ज़े की, एक पिज़्ज़ा रह गया क्या चुका था, तो इसके बाद अभी दूसरे को भेजना था पकने के लिए, दूसरा पकने गया हुआ था। मैंने सोचा इसकी कटिंग कर लेती हूँ कि जल्दी से दूसरे का भी, दूसरा भी अंदर पक रहा था, तो मैंने इसका भी एक शॉट ले लिया। और अभी जो स्पेशल एक चीज़ है
वो ये रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर भी करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी रेसिपी की आएगी। आप भी ये घर में बना सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन खाने में भी उतना ही टेस्टी है जितना देखने में लग रहा है। तो उसके ये खाने के बाद हम लोगों ने इंजॉय की। मंदी मंदी की भी बाकी थी क्योंकि मंदी बैग तो हाथ भिजवाती थी और इसमें बहुत सब कुछ था। बाजू निकालती थी कि इसके अंदर से क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें से क्या खाने वाला है, ये गोश्त है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी थे जिनको पसंद है वो ये खाते हैं। तो अलहमदिल्ला से फाइनली फिर हम लोगों ने बच्चों को बनाए थे, शॉप बना रहे थे, वो भी आपको इंशाल्लाह जल्दी से शेयर करूँगी। आयशा के चैनल पर भी आपको मिल जाएगा ये शॉर्ट क्योंकि मैंने इस टाइम पे अपलोड नहीं किए थे। आयशा अपलोड करती जा रही थी, मैं अपने फोन में ड्राफ्ट में डालती जा रही थी यूट्यूब के। तो बस जल्दी से ये लोग फिर ये बिना के महानूर का मुँह नहीं हो रहा था, महानूर बहुत बिजी हुई हुई थी, इसने मेरे को अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दिया हमको। तो फिर उसके बाद जाने का टाइम आ गया था, फिर ये लोग गए थे तकरीबन 1 या 1:30 बजे तकरीबन। फिर उसके अच्छे से हमने इनको अल्लाह हाफिज़ किया। दादी अम्मा ने भी बहुत इंजॉय किया, उन्होंने भी पहली दफ़ा पिज़्ज़ा खाया था। तो वो कैसे पाकिस्तान में भी इस तरह के हैं बट लेकिन तंदूर वगैरह उनको नहीं चीज़ों का इतना ज़्यादा पता। तो जल्दी से कुर्सी ऑफ करके उसके बाद हम लोगों ने किचन में आयशा ने मेरे साथ हेल्प करवाई थी, मेरे साथ बर्तन वर्तन धो दिए थे, सारा पूरा किचन डीप क्लीन करके उसके बाद हम लोग कर रहे थे लाइट्स ऑफ ताकि क्योंकि अब किचन को दिया जाए सुकून। और फिर आज बिल्कुल आज कैट को फिर तंग किया, आज इसने भी मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया था और मैं उसको भी टाइम भी नहीं दे सकी थी। सारा टाइम मेरे पास किचन में थी क्योंकि मैं जो किचन में बिजी थी, जब जब मैं किचन में बिजी होती हूँ वो मेरे साथ ही होती है। होप सो लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने दुआओं में रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा याद, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।